अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्ती में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट और डिफरेंट के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। इंफॉर्मेटिव इसलिए कि आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो जगह यकीनन जो है अपने आप में एक बड़ी हैसियत रखती है। कुछ कुछ शख्सियात होती हैं जो ख़ुद में बहुत ज़्यादा हैसियत रखती हैं और कुछ कुछ इदारे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका जब भी नाम लिया जाता है तो यकीनन खुशी सी महसूस होती है और उसके साथ साथ फ़ख्र हो रहा होता है। तो आज मैं रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कराची में मौजूद हूँ। आज का जो व्लॉग है मैं यहाँ पर बनाऊँगा। रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद वजूद में आया, पाकिस्तान के वजूद के आने के साथ ही वजूद में आया। ये वही इदारा है जब पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क जिसमें हम सब आप और मैं रह रहे हैं, उसकी आज़ादी का ऐलान हुआ। तो मैं यकीनन बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सिंस लास्ट 3 to 4 months। बेसिकली होता ये है कि किसी भी इदारे में आप जब जाते हैं तो यकीनन उस इदारे की पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक इन सिंपली मैं कह दूं कि प्रोसेस होता है दैट वी हैव टू फॉलो। तो इसी तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुई, उसके बाद एक सही प्रोसेस की थ्रू प्योर मेरिट पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ एज अ सिंधी न्यूज़ रीडर एंड न्यूज़ ट्रांसलेटर। तो यकीनन मेरे लिए ये बहुत खुशी की माने हैं और खुशी की बात है कि बहुत लोगों में से मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्किल्स दैट आई हैव बीन परसुइंग। और इसी इदारे के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं वहाँ पे गया न्यूज़ ऑडिशन के लिए, टीचिंग मिली और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद सीखी। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो काम होता है वो सबसे पहले जो सिंधी लोकल न्यूज़ होती है उनको ट्रांसलेट करना होता है। और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और न्यूज़ रूम से कैसे न्यूज़ बनती है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि न्यूज़ रेडियो के थ्रू, आपने टेलीविज़न पे तो यकीनन न्यूज़ पढ़ते हुए न्यूज़ एंकर्स को, न्यूज़ कास्टर्स को देखा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आज हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे कि रेडियो पे लाइव न्यूज़ ऑन एयर कैसी होती है, क्या पैटर्न होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रेडियो के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और मैं ख़ुद यकीनन जो है फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस इदारे से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं सिंधी न्यूज़ ट्रांसलेटर और न्यूज़ रीडर जो है यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ का जो स्टाफ है या कॉलीग्स अगर मैं कहूँ तो नो डाउट कोऑपरेटिव, आपकी मैं बात भी करवाऊंगा। यहाँ के जो न्यूज़ एडिटर हैं सरवकास, हम उनसे भी मिलेंगे, लेकिन आई मस्ट से द एंटायर स्टाफ इज़ सो कोऑपरेटिव। जी बिल्कुल दोस्तों, अभी हम रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ सर वकास मौजूद हैं। मैं आप सब दोस्तों को बताता चलूँ कि सर वकास यहाँ पे एज अ न्यूज़ एडिटर काम करते हैं। और सर वकास का जो मेन काम है वो सर यहाँ की कराची की फेडरल प्रोफेशनल जो न्यूज़ होती है वो हेडक्वार्टर यानी के इस्लामाबाद रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भुग्गो के व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं बिलाल भुग्गो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से जो है रेडियो पाकिस्तान के सिंधी न्यूज़ ट्रांसलेशन और रीडिंग के जो शोबे को अपना वक्त दिया कीमती। बिलाल एक बहुत मेहनती और रिस्पॉन्सिबल और पंचुअल जो है एक हमारे पास सिंधी ट्रांसलेटर रीडर है और इसकी सिंधी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी है और ये सिंधी न्यूज़ रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। रेडियो पाकिस्तान को जो सबसे अहम ज़रूरत होती है वो होती है एक बहुत अच्छे अल्फाज के अंदर जो सिंधी न्यूज़ रीडिंग करने वाला बंदा चाहिए होता है रेडियो को, तो बिलाल उस पूरे क्राइटेरिया पर मुकम्मल तौर पूरे उतरते हैं। और उन्होंने अब तक जितना भी रेडियो में काम किया कभी उन्होंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और हमेशा जो है किसी भी वक्त अगर इनको कॉल की गई है ज़िम्मेदारी देने के लिए ये हमेशा हाजिर हुए हैं।
और मैं बिलाल को उसके मुस्तकबिल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट करता हूँ, ताकि वो अपने मुस्तकबिल में आगे बढ़े और हमेशा इसी तरीके से दिल लगी से काम करता रहे और अपने कैरियर को मज़ीद फ्लोरिश करें। दोस्तों हमारी जो ट्रांसलेशन है दैट इज़ टोटली बिन डन। अभी जो है हम स्टूडियो की तरफ जाएंगे। हमारी जो सिंधी की लोकल न्यूज़ है वो 5:25 पे ऑन एयर होती है, तो आइए मेरे साथ चलिए देखते हैं, स्टूडियो भी हम आपको विजिट करवाते हैं। लेट्स गो एंड सी। मैं आपको बताता चलूं कि अभी हम जो है 10वें फ्लोर पे मौजूद है। यहाँ से लिफ्ट है रेडियो पाकिस्तान की, जो कि जब से यह बिल्डिंग तामीर की गई थी उसी दिन से, सिंस द इंसेप्शन, सिंस द स्टार्ट, यह लिफ्ट भी यहाँ पे जो है कंटिन्यू है। हमारे काशिफ भाई यहाँ पे हैं जो अपनी जो है खिदमत सर्विसेज दे रहे हैं। अभी हम नीचे स्टूडियो की तरफ जाएंगे, देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं वहाँ 10वें फ्लोर पर हम मौजूद हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं सामने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस कराची। तो अभी हम स्टूडियो की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कि कैसे जो है न्यूज़ ऑन एयर होती है। अभी कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में सिंधी लोकल न्यूज़ जो है ऑन एयर होने वाली है। अभी हम स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एयर। जी बिल्कुल दोस्तों, अभी हम जो है स्टूडियो में पहुँच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं ये बूथ है और ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है। हमारे इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में जो है सिंधी की लोकल न्यूज़ ऑन एयर होने वाली है, तो आप साथ ये वक्त हुआ है सिंधी में मकामी ख़बरों का। बिलाल मुस्तफ़ा आ गए हैं, आइए इनसे सिंधी में मकामी ख़बरें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान कराची आहे, बिलाल मुस्तफ़ा का सिंधी में मकानी खबरों बुधंदा। वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह सूबे में सनतकारी के हथी वटराइण ए मैशियत के मुस्तहकम करण लाए खसूसी इक्तसादी जोन कायम कया वया हैं। इन वह गाल नेशनल कमांड अथॉरिटी के वफद से गलाइंदे चई, जैं अज कराची में साणस मुलाकात कई। सैयद मुराद अली शाह चयो तो दाबेजी में स्पेशल इक्तसादी जोन कायम थियण से 5 अरब डॉलर की सीड़पकारी थी, 2 लख नौकरियों पिण पैदा थन्दू। इन चयो तो खैरपुर में इकोनॉमिक जोन भी कायम किया वो है में मसरूफ़ रहा, जडे तो 15 माल इमारत खाली पिण कराई वही। आखिर में मौसम, मौसमियात खाते वाल इंदर 24 कलाक दौरान कराची उन भरपासे में मौसम घिमल गरम रहने की अगति कई है। अज वध में वध गर्मी पद 35.5 घट में घट 28.4 सेंटीग्रेड रो। अज सुबह 8 वगे हवा में घिम जो तनासिब 72%, जडे तो शाम 5 वगे 62% रो। अज कराची में सिज शाम जो 7:08 लहंदो, सुभाणे सुबह 5:41 उभरंदो। उनसा गड सिंधी में मकानी खबरों पूरी थी। दोस्तों आपने देखा कि मैंने जो अपनी जॉब थी न्यूज़ ट्रांसलेटर और न्यूज़ रीडर की, वो किस तरह सरंजाम दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये व्लॉग था आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं यहाँ पे ये एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये वैसे तो जो भी मेरे जो है व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं मेरे चैनल के थ्रू, उन सब के लिए था। स्पेसिफिकली कुछ मेरे चंद दोस्त थे, दे हैव बिन आस्किंग मी एवरी टाइम कि बिलाल आप न्यूज़ तो पढ़ते हो लेकिन हमने देखा नहीं। मैंने वॉइस तो थ्रू व्हाट्सएप उनको सेंड करी थी लेकिन दे वर आस्किंग मी टू सेंड वीडियो। तो ये जो स्पेसिफिकली व्लॉग है मेरा उन सब के लिए, ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग, ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूवर्स से, अपने देखने वालों से जो है इजाज़त चाहता हूँ। लास्ट में सेम बात कि बिलाल के चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।